हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो गाइस। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट टेम्परेली लॉक्ड हो गया है। गाइस, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन करते वक्त, तो गाइस इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है। योर अकाउंट हैज़ बीन टेम्परेली लॉक्ड। गाइस, आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को जैसे ही लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। गाइस, अगर आप इस प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो गाइस, ये एक स्क्रीनशॉट है, तो हम इसे बंद कर देते हैं और अब हम लाइव करते हैं अकाउंट को रिकवर। तो गाइस, आपको क्या करना है, आपको अपने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। उसके बाद लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, योर अकाउंट हैज़ बीन टेम्परेरी लॉक। तो गाइस, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको जो कंटिन्यू का जो बटन दिख रहा है, आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो गाइस, जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एक नया इंटरफेस आ चुका है, कंफर्म यू ऑनर दिस अकाउंट। तो गाइस, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे मेरा ओनली मोबाइल नंबर का आ रहा है, तो आपका ईमेल का भी आ सकता है, पर अभी मैं इस वीडियो में जो भी तरीका बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ मोबाइल नंबर के ही थ्रू बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर से अपने अकाउंट को अनलॉक करेंगे, तो यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा, हमें अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को कंफर्म करना पड़ेगा, तभी हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में लॉगिन कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल नंबर है, आपका जो मोबाइल नंबर है उसके लास्ट के जो वर्ड दिख रहे हैं तो उस पर एक सिक्योरिटी कोड जाएगा, उसे आप जैसे ही डालेंगे तभी लॉगिन होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेंड सिक्योरिटी कोड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जैसे आप सेंड सिक्योरिटी कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कोड एंटर करना है। तो गाइस, आपके मोबाइल नंबर पे एक कोड आया होगा, वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो यहाँ पे हम इसे एंटर कर देते हैं कोड को, तो कोड को हम एंटर करेंगे, तो यहाँ पे हमने ब्लर कर दिया है। तो यहाँ से हमने किया कोड को कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ से हमने किया कोड को यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे हमने कोड डाल दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे, तो गाइस आपको यहाँ पे सिक्योरिटी कोड को फिल कर देना है। तो गाइस, यहाँ पे हमने सिक्योरिटी कोड को फिल कर दिया है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमने सबमिट पे क्लिक किया, तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे एक नया इंटरफेस आ चुका है, यहाँ पे नया पासवर्ड चेंज करने का, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट कर देना है। गाइस, अब आप बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मेरा OTP नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँ, तो इसके बारे में मैं आपको आगे और बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कोड डालने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे चेंज योर पासवर्ड, यहाँ पे आपको एक नया पासवर्ड डाल देना है। तो फर्स्ट में आपको पासवर्ड डालना है और सेकंड में आपको दोनों में सेम पासवर्ड डालना है, और उसके बाद आपको फिर से सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका जो अकाउंट है इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन हो जाए। तो यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे जो मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो लॉगिन हो चुका है। तो गाइस, ऐसे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। तो गाइस, मैं देख सकते हैं मैं जो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका हूँ। तो गाइस, ऐसे आप अपने इंस्टाग्राम की प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, योर अकाउंट हैज़ बीन टेम्परेली लॉक। तो गाइस, ऐसे आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइस, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये प्रॉब्लम जो ठीक कर ली है, पर बहुत सारे लोगों को इसके बाद भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनका जो कोड नहीं आता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ज़्यादातर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ज़्यादातर लोगों का जो कोड है वो नहीं आता है, वो इसी वजह से यहाँ पे फंसे रहते हैं, वरना ये प्रॉब्लम कोई भी फिक्स कर सकता है। और तो मैं कोड नहीं आ रहा है आपका, तो इसके लिए मैं एक वीडियो है जो कि मैं आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपका कोड नहीं आ रहा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपका जो कोड है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। पर मैं आपको इस वीडियो में भी आपको कुछ सजेशन दे रहा हूँ, मतलब आपको टिप्स दूंगा जिससे आपका जो कोड है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपने मैसेज ऐप की जो परमिशंस हैं उन्हें ऑन कर दें, अपने इंस्टाग्राम ऐप का जो डाटा है और कैसे है वो साफ़ कर दें, उसे क्लियर कर दें, और उसके बाद आप
आपके जो मैसेज हैं वो आने चाहिए। तो आपका जो मैसेज है आना स्टार्ट हो जाएगा। और कई सारे केस में ऐसा होता है कि जो कोड है वो इसलिए नहीं आता है, आप बहुत बार ट्राई कर लेते हैं जिसके बाद बंद हो जाता है। तो आपको 24 या 48 आवर तक वेट करना है, उसके बाद आना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस अगर आप इसके बारे में, अगर आपका कोड नहीं आ रहा है, इसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो है जो कि मैं आपको एंड स्क्रीन में दे दूँगा, आप उस वीडियो को देखें, जिससे अगर आपका कोड नहीं आ रहा है तो आपका कोड जो है आना स्टार्ट हो जाएगा इंस्टाग्राम का। तो गाइस ऐसे आप अपने इंस्टाग्राम की इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में।